नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा रहे हो, ये सपोज करो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है ना, उसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल के बीच का डिस्टेंस डी मान लो इसको, ठीक है, और ये पॉजिटिव क्यों, ये माइनस क्यों, है ना, ठीक है, और जो डायपोल का डायरेक्शन होता है ना वो होता है P, माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ होता है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिकल डायपोल विद डायपोल मोमेंट क्या होता है, P, P इक्वल टू दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है, और इज अलाइन 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मिल्कवे, इसके बीच का डिस्टेंस है वो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिव ऑन द डायपोल, देखो टॉर्क ई कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड का वो दे रखा है मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ कूलम माइनस वन, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस, सॉरी पी क्रॉस ई, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू पी कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁹, ई कितना दे रखा है, अच्छा इसको सोल्व करोगे एक बार, रुको इसको देखो, टाउ इक्वल टू अगर इसको खोलोगे तो पीई साइन थीटा हो जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट है, देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और जो निकलने वाली है वो भी वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर वो करते हैं तो ये निकलता है पीई साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू पी कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁴ साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴, तो 2 से यहां पे 2 बचा, 5 × 10 × 10⁻⁵, ये यहां पे बचा 10⁻⁵, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻⁴, और ये आ जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, देखो इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है और ये कोई डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है, ये फोर्स लगता है, ध्यान रखना इसमें, है ना, तो ये फोर्स तो जीरो हो जाएगा उसमें, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई डायपोल रखते हैं तो ये देखो फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें टॉर्क लगेगा, ठीक है,